वेलकम फ्रेंड्स, जयज वीलॉग डायरी के हमारे चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जहां हमारी कोशिश रहती है अपने हॉलिडे और साइट सीइंग के एक्सपीरियंसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के फूड को लेकर हमारे रिव्यू को एक अट्रैक्टिव कंटेंट के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे टूर के बजट की प्लानिंग हमने किस तरह से किया, इसकी भी एक छोटी सी इनसाइट देने की हमारी कोशिश रहती है। यदि हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो कृपा कर इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही दोस्तों आपका वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन देकर हमारे इस मिशन को सपोर्ट करें। ऐसे ही एक सिमिलर कंटेंट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो हाल ही में भारत के एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की हमारे रिव्यू से रिलेटेड है। तो आपका ज्यादा वक्त न जायर करते हुए सीधे आपको आज का वीडियो दिखाते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की यह इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी, सो प्लीज एंजॉय इट। दोस्तों, हम अभी यहाँ पर हैं रानी कमलापति स्टेशन पे। स्टेशन का नज़ारा देख के लग नहीं रहा है कि ये स्टेशन है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी एयरपोर्ट में हैं। हिंदुस्तान की तरक्की जो हो रही है उसका एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये रानी कमलापति स्टेशन। हिंदुस्तान की इस पहली वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखकर किया गया। इस अति आधुनिक रेलवे स्टेशन में विशाल कवर्ड पार्किंग के साथ 24/7 का पावर बैकअप तो है ही, साथ में हाई स्पीड एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, एंकर स्टोर्स, ऑटोमोबाइल शोरूम्स, कन्वेंशन सेंटर, होटल्स इत्यादि भी सुसज्जित हैं। रेलवे स्टेशन को लेकर हमारे जेहन में जो एक छवि बनी हुई है, इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को देखकर आपकी ये पूरी डेफिनेशन बदल जाएगी। साफ सुथरी इस एयर कंडीशन लॉबी को यात्रियों के आराम का ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन डिजाइन दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी की टेस्ट और फैंसी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ट्रेंडी रिक्रिएशन जोन्स का भी इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में प्रोविजन किया गया है। इतनी बेहतरीन रेलवे स्टेशन है तो यंग कपल्स और उनके बच्चे भी यहाँ जर्नी के दौरान विजिट करेंगे, तो उनके लिए भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट इतना बेमिसाल है दोस्तों कि बच्चों का मन इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन से घर लौटने का बिल्कुल नहीं करेगा। एक्चुअल जर्नी से पहले इस टॉय ट्रेन की राइड बच्चों के लिए बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक होगी। और हाँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन यदि ऐसा हो जहां आपके पसंद का खाना मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। थाली हो या अलाकार्ट, पसंद आपको करना है, अवेलेबल तो यहां हर चीज है। Thank you.
रानी कमलापति भारत की पहली ऐसी स्टेशन है जहां जीरो डिस्चार्ज तकनीक से पानी को दोबारा यूज में लाया जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर आधारित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एक ऐसी मॉडल स्टेशन है जो आने वाले वक्त में भारत के सभी स्टेशनों के कायापलट के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकती है। भारत की शान कहलाने वाले इस अद्भुत प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय जाता है मध्य भारत के उभरते हुए बंसल ग्रुप को, जो अनिल बंसल के नेतृत्व में गत दो दशकों से एक सफलतम कंस्ट्रक्शन एवं इंजीनियरिंग फर्म के रूप में उभर कर सामने आई है। इतनी बेहतरीन एक्सपीरियंस के बाद जर्नी करने के लिए आप खुद को एनर्जेटिक अवश्य फील करेंगे। ट्रेन्स के अराइवल और डिपार्चर की सूचना देने के लिए लाउंज में जगह जगह आधुनिक डिस्प्ले बोर्ड्स उपलब्ध हैं। ₹450 करोड़ की लागत में बनी इस रेलवे स्टेशन में कुल 160 सीसीटीवी कैमरा 24/7 रेलवे स्टेशन की सर्वेलेंस करती है। इस रेलवे स्टेशन में भीड़ का बराबर नियंत्रण बना रहे इस बात को ध्यान में रखते हुए सेपरेट एंट्री एग्जिट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वैसे तो कहने के लिए इस आधुनिक रेलवे स्टेशन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट और इंटरेस्टिंग रखने के लिए फिलहाल हमारे प्रेजेंटेशन में केवल इतना ही। उम्मीद है हमारी यह प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, जो हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में हुई हमारी एक्सपीरियंस पर आधारित थी। हमें उम्मीद है दोस्तों कि हमारी ये कंटेंट आपको अवश्य पसंद आई होगी। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को लेकर आपने राय बनाई होगी, कृपा कर इसे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक जयेश वीलॉग डायरी के हमारे चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद।